हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट क्लास 11। कल हम लोग पढ़े थे संध्या के बाद की कविता। उसके आगे की कविता हम लोग पढ़ेंगे। संध्या के बाद ही शीर्षक में और कविताएं हैं, पद है। देखो कविताएं में कवि क्या कह रहे हैं। इस कविता में कवि ग्रामीण क्षेत्र की, जो ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले जो संध्या के समय वातावरण है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अब कवि कहते हैं क्या, माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नभ सी धूमाली। कवि गांव में जो छोटे मोटे जो दुकान है और जो गांव में झोपड़ियां होती है, उनकी कहानी बता रहे हैं इस कविता में। माली की मड़ई कहते हैं झोपड़ी को। उठ नभ के नीचे नभ सी धूमाली, तो कहते हैं कि ये पृथ्वी और आकाश के बीच में, जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है, और उस जीवन में जो जिस तरह की जिसकी कमाई होती है, वो उस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करता है। यहाँ एक गांव के एक माली की बात बताई गई है, और मड़ई कहते हैं झोपड़ी को। तो झोपड़ी में, वहाँ गांव में बिजली बत्ती का अभाव है, और वहाँ लोग एक ढिबरी कहते हैं, ढिबरी को ही जला करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि झोपड़ी से निकलते हुए, माली की झोपड़ी से निकलते हुए जो उनके ढिबरी जो जल रही है, उससे एक धुएं की एक धुंधली चादर ऊपर आकाश के नीचे फैल चुकी है, जो एक लग रहा है जैसे कि आसमान के नीचे एक सतह बन गई है। वो धुंधली जो धुएं उठ रहे हैं, उनसे एक चादर सी बन गई है। मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। अब कहते हैं कवि कि नीले रेशम की जाली की भांति, जैसे हम देखते हैं कि वो नीला रेशम जो होता है, रेशम जानते हो ना, रेशमी धागा का जो बोलते हैं, उससे एक जाली नुमा उसकी भांति ही आसमान का रंग हवा में तैरता मालूम हो रहा है। उनमें धीरे धीरे जो हवाएं बह रही है, मंद पवन में तिरती, हवा जो धीरे धीरे बह रही है, उस हवा में वो जो काली काली जो धुएं की जाली फैल चुकी एक चादर सी बन गई है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि वो नीली रेशम की भांति, जो आसमान का रंग नीला है और जो धुएं का रंग जो है वो काला है, तो धुएं उसमें एक हल्की हल्की सी वो जाली तैर रही है, इधर से उधर हवा से जब हिलती है तो वो तैरती भी नजर आ रही है। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, छोटे मोटे जो वहाँ दुकान हैं, उन दुकानों में वहाँ के व्यापारी सब अपने अपने दुकानों में एक बत्ती जला जला कर सभी बैठे हुए हैं। मौन मंदर आभा में हिम की उंग रही लंबी अंधियारी। अब कहते हैं कि सर्दी की रात है, और सर्दी की रात में जो वहाँ का गांव का वातावरण है, वो जल्दी ही ऐसे शांत हो जाता है, और उस शांत वातावरण में लोगों को लगता है कि जल्दी ही रात्रि छा गई है और सभी ऊँघने लगते हैं। मौन छाया हुआ है और सभी ऊँघ रहे हैं बैठे। मौन मंद आभा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी, जैसे शाम को जब सबको अंधियाला छाने लगता है, तो नींद एक तरह की जो आलसपन है वो सबके जीवन में आ जाता है। दिन भर का थका हारा व्यक्ति वो शाम को ऊँघने लगता है, सोने की मुद्रा में आने लगता है।
धुआं अधिक देती है, टिन की ढीबरी कम करती उजियाला। हम सभी जानते हैं जिस प्रकार की हम देखते हैं कि हम बिजली का उपयोग करते हैं, तो बिजली की बत्ती जो बल्ब है वो बहुत अधिक रोशनी देती है। एक बल्ब से जितने दूर तक उसका प्रकाश जाता है पूरा उजियाला छा जाता है, लेकिन जब हम एक ढीबरी जलाते हैं, टिन की ढीबरी, हम देखते हैं बाजार में मिट्टी तेल से जो ढीबरियाँ जलती है घरों में जहाँ रोशनी नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है कि ढीबरी से रोशनी कम होती है लेकिन उसकी जो धुआं से कालिक है वो ज़्यादा होती है। धुआं अधिक देती है टिन की ढीबरी, कम करती उजियाला। तो धुएं का जो प्रभाव है वो अधिक होता है और उजियाला कम होता है। मन से कढ़ अवसाद श्रांति, आँखों से आगे बुनती जाला। कहते हैं कि उसी प्रकार से इससे निकलने वाला धुआं ऐसा महसूस लगता है जैसे कि मन से अवसाद, कहते हैं मन से कढ़ अवसाद भ्रांति श्रांति। अवसाद मतलब जितना मन में एक प्रकार का कुढ़न है, एक प्रकार का दुख अंदर जो है वो ऐसा महसूस होता है कि आँखों के आगे वो दुख निकल कर के छा रहा है, और जो उसके जीवन में शांति है वो शांति भी भंग हो जाती है। आँखों से आगे बुनती जाला, वो जो धुएं टिन की ढीबरी से धुआं निकल रहा है उसकी धुएं की कल्पना यहाँ पर कभी मन में बैठे छिपे दुख को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दुख धुआं जो है वो गांव के कस्बे की व्यापारी जो है उनके अंदर में जो एक दिन की जो उतार चढ़ाव है वो है, सो वो कम हो रहा है। वो अवसाद जो दुख है वो दुख की भांति, वो धुआं जो कालापन है वो सामने आ रहा है। यहाँ पर इस कविता में कवि बहुत ही सुंदर ये वातावरण का बहुत ही सुंदर वातावरण को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनके ग्रामीण जीवन में जो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनका विश्लेषण यहाँ अपनी कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। कहते हैं कि यहाँ छोटी सी बस्ती है, उस बस्ती के अंदर लेन देन का भी प्रयास चल रहा है, और लेन देन जो हो रहा है वो कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ही लोग उतार चढ़ाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रात्रि का वातावरण है और लोग अशांत भी है, रात्रि में ऐसे कहते हैं कि सभी शांति से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन लोग लेन देन जो उनकी व्यापार में लेन देन होता है मूलधन और ब्याज के चक्कर में, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त विश्राम के क्षणों में भी बेचैन है। यहाँ कवि वही बात बता रहे हैं कि जबकि रात्रि में लोग विश्राम आसान आराम से सोने का प्रयत्न करते हैं सभी दुखों को भूल करके, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ भी लोग उसमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव का आकलन कर रहे हैं और बेचैन हैं। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर दुख सुख अपने, कप कप उठते लौ के संग कातर उर क्रंदन मूक निराशा। लोगों के जीवन में क्या है, मूक निराशा छाई हुई है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो उनके हृदय का जो उर क्रंदन, हृदय में जो बैठा हुआ दुख है वो उठ उठ करके लौ के साथ, जैसे ढीबरी का रोशनी कभी धीमा होता है कभी तेज हो जाता है, तो उसके साथ ही
उसका जो हृदय के जो भाव है, हृदय रो रहा है उनके साथ ही लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे वो हृदय रो रहा है, उनका हृदय कंपन कर रहा है। दीपक के प्रकाश में उनके मन का अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, ऐसा महसूस होता है कि मन को जैसे दीपक की भाषा मिल गई है और दीपक के प्रकाश में मन का अशांत, दीपक के प्रकाश में मन का अंधेरा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे रात्रि का समय बढ़ता जा रहा है, लोग धीरे धीरे निद्रा की गोद में जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो अशांत है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। कहते हैं कि सभी अपने अपनी खपरे में, खपरैल वाले घरों के आंगन में सभी दुबक चुके हैं, क्योंकि ठंड का बेला है, ठंड का मौसम है और रात्रि भी ठंड के मौसम में जल्दी ही छा जाती है, और वो सभी कैसे घनघोर अंधेरा छाए हुए हैं गांव में, तो सभी अपने अपने घरों में चले गए हैं। भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। अब कहते हैं कि लाला जो है, जो दुकानदार, दुकान का व्यक्ति है, दुकानदार है, उसको लाला से संबोधित कहा गया, किया गया है। वो लाला जो है वो अपने सुध-बुध खो गया है, सभी सुध-बुध खो बैठा है और नींद में ही अपने आप को नींद के आगोश में चला गया है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर। कहते हैं कि सकुची सी परचून किराने की ढेरी, हम देखते हैं कि कभी यहाँ किराने का दुकान जो होता है वो छोटा मोटा दुकान गांव में है किसी एक व्यापारी का, लाला का, उनके बस वो उनका वर्णन यहाँ पर इस कविता में कर रहे हैं। और कहते हैं कि दैनिक उपभोक्ता जो रोजमर्रा के जो हमारे सामान हैं, वो सामानों की बिक्री करने के लिए वो दुकान खोल कर बैठा है, लेकिन वो उन वस्तुओं को दुकान में समेट करके लाला विश्राम कर रहा है और उसका मन उस समय भी अशांत है। लग रही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, उसके अंदर में भी और बाहर में भी बेचैनी छाई हुई है। वो नीरव प्रदोष में आकुल, उनका हृदय व्याकुल है और वो अपने से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन। वो कहते हैं कि क्या है कि वो बहुत ही छोटी हस्ती के लोग हैं, उनके मन में जो अपनी छोटी हस्ती दिखाई दे रही है, एक हस्ती कहते हैं अपनी जीवन जो जिसकी जीवन शैली जैसी रहती है, तो बड़ी हस्ती वाले लोग, बड़ा रुपया वाले लोग, ज़्यादा रुपया धन वाले लोग अपने रुपया का उनकी औकात से, उनके पहरावे ओढ़ावे से, उनके दुकानदारी से उनकी औकात पता चलती है। तो ये व्यापारी जो है, ये लाला जो है, वो उसकी छोटी सी दुकान है परचून की, किराने की, और वो उसमें अपनी हस्ती को देख रहा है और अपनी गरीबी को देख रहा है, साथ में असफल जीवन को भी देख रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसके मन में एक दुख उभर कर सामने आ रहा है। वो दुख जो है वो उसमें उसके हृदय से वो निकल नहीं पा रहा है। दैन्य दुख अपमान
छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। उसमें अब धीरे धीरे उसमें एक मानवता का मानव का जो एक हृदय होता है, हर मानव चाहता है कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें, लेकिन जिसमें वो इतना मेहनत करके भी कोई किसी का जो वो अपने जीवन को अपने बहुत ही आनंदपूर्वक नहीं बिता पाता और असफल जीवन का उत्पीड़न और अपनी असफलता पर वो अपनी असफलता पर दुख व्यक्त कर रहा है, अपने को दुखी समझ में आ रहा है, उसको अपने को लग रहा है कि हमारा जीवन बेकार ही जा रहा है। दैन्य दुख अपमान गलानी चीर क्षुदित पिपासा मृत अभिलाषा। वो कहता है क्या कि दैन्य दुख अपमान गलानी कि जिंदगी में उसे सिर्फ दुखी दुख प्राप्त हुआ है और इसके चलते जब धन नहीं रहता है तो हर तरफ से अपमान भी मिलता है और वह अपने जीवन में सिर्फ ग्लानी ही महसूस करता है। चीर क्षुदित पिपासा मृत अभिलाषा, उनकी जितनी अभिलाषाएं हैं इच्छाएं हैं वह ऐसा महसूस होती है जैसे मर चुकी है और उनकी अभिलाषाएं जो है इच्छाएं जो है वो मर चुकी है और उनकी जो एक इच्छा जो थी वो प्यासी ही रह गई है, वो उसकी पिपासा शांत नहीं हुई है। हृदय में जो एक आदमी मनुष्य को अच्छे जीवन व्यतीत करने की, अच्छा भोजन खाने की, अच्छे पहरावा पहने कपड़े पहनने की एक अभिलाषाएं जो होती हैं वो सब अधूरा ही रह गया है। बिना आय को क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। अब कवि कहते हैं क्या कि बात तो ये बिल्कुल सही है कि जब तक हमारी आमदनी नहीं होती है अच्छी तो हम अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जब आमदनी अच्छी होती है तभी मनुष्य अपना अच्छा उसका रुतबा होता है, एक समाज में उसका जो एक उठ पहचान होती है वो अच्छी होती है और लोग वो अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो बिना आय को क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, तो उसमें यहाँ जीवन जो है वो उनका उसे अपमान ग्लानी तो सहनी ही पड़ती है। वह अमीर वो बनना चाहता था परंतु उसकी वर्षों पुरानी जो अद्भुत अतृप्त इच्छाएं थी वो मरी हुई इच्छाएं आमदनी के बिना कष्टदायक बन रही है और आमदनी नहीं है, बिना आय को क्लांति बन रही, वो क्लेश का कारण बन रही है। जो आमदनी नहीं है उसके जीवन में अच्छी आमदनी नहीं है इसलिए वह उसके जीवन में ही क्लेश का कारण बन रही है, अपने आप से वह दुखी है, उसके जीवन की परिभाषा बन रही है। तो यहाँ कवि एक दुख भरे गांव के लोगों की जो एक दुख भरी कहानी है उसको यहाँ पर कविताओं के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि वह रात दिन किस सोच में और किस ये में बेचैन है, उसको वह तनिक भी उसकी कल्पना नहीं, वह मतलब वो किस तरह वह बेचैन है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है लेकिन वह बना नहीं पा रहा है। इस बात को कवि यहाँ अपनी शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज इतना ही और कल दूसरे दिन फिर दूसरे पार्ट दूसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।